मियां साहब से मिलना चाहती थी लेकिन इजाज़त नहीं मिल सकी। जेल हुकाम ने बताया कि मुलाकात की इजाज़त हुकूमत ही देगी, हम बिल्कुल बेबस हैं। मरियम नवाज का ये ट्वीट आज सामने आया जिसमें कहा गया कि आज जो करोगे कल वैसा ही पलट कर आएगा। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा, एक तो नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी गफलत बरती जा रही है, उसके साथ साथ उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा उनके घर वालों से। हाँ जी बिल्कुल, पहले ये हुकूमत की जानिब से बयान आया था कि फैमिली जब चाहे मुलाकात कर सकती है और गुज़श्ता रोज़ तो उन्होंने मुलाकात नहीं की नवाज शरीफ की फैमिली ने, जुमेरात को मुलाकाती रोज़ के नाम पर मुलाकात की जबकि जुमे को कोई मुलाकात नहीं थी। आज नवाज शरीफ की फैमिली यानी कि मरियम नवाज मुलाकात करना चाहती थी मगर इजाज़त ना मिलने की वजह से वो आज मुलाकात नहीं कर रही हैं। और मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि मैं आज वालिद से मुलाकात करना चाहती थी, मुझे वालिद साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और मुतलका हुकाम ने बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत बराह रास्त हुकूमत ही दे सकती है, हम नहीं दे सकते और हमारी जानिब से इजाजत नामा जारी नहीं की दिया जा सकता। मुतलका हुकाम की जानिब से यह भी बताया गया है कि जब इजाजत मिलेगी तब मुलाकात हो सकेगी। अब और इसके बाद जो है मरियम नवाज ने ट्वीट में यह भी लिखा कि आज जो कुछ हुकूमत कर रही है कल उनके साथ भी यही कुछ ही होगा, तो आज उनको इंतकामी कार्रवाइयां करते हुए इस बात का ख्याल रख लेना चाहिए कि कल जो है इनके साथ भी यही सलूक हुआ हो सकता है और शायद कल इनकी फैमिली भी जेल में इनसे मुलाकात के लिए आए और उनको भी ठीक है। जेल हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुलाकात की इजाज़त हम नहीं दे सकते बल्कि हुकूमत देती है। दानियाल बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।